धनतेरस के अवसर पर बर्तन व चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसे लेकर बाजारों में धनतेरस के अवसर पर व्यापारियों के बीच धन बरस रहा है। लोग जमकर खरीदारी करने के साथ ही अपनी परंपराओं का भी निर्वहन कर रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और युवा सभी बाजार की रौनक देखने के साथ ही अपने लिए खरीदारी भी कर रहे हैं। घर की सजावट हो या फिर उपहार, सभी अपने अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रहे हैं। धनतेरस के इस पावन अवसर पर बर्तन की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकानों पर भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कहने को तो मंदी का दौर चल रहा है और महंगाई भी काफी बढ़ गई है, इसके बावजूद दीपावली का त्योहार ही ऐसा है कि आम जनता अपने और अपने परिवार के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहती। इसीलिए सभी बाजार की ओर जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ आज के दिन जरूर खरीद कर घर ला रहे हैं। कुमार जांगेड़, श्री विश्वकर्मा फर्नीचर, नागौर रोड, नए पेट्रोल पंप के सामने, और हमारे पूरे प्रदेशवासियों को और मेरे पुष्कर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। त्यौहार का माहौल है और खुशी का माहौल है। दो साल कोविड के बाद में अब हर आदमी निकला है अपने घरों से और इसको हर अपने अपने तरीके से हर आदमी इसको खुशियां मना रहा है। और दिवाली का पावन त्यौहार है तो हम लोग सब बस खरीदारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कहने के लिए मंदी है लेकिन फिर भी दिल खुश है तो खरीदारी कर रहा आदमी। थैंक यू। और मैं अजमेर शहरवासियों को अपनी ओर से सभी को हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत भटनागर, अध्यक्ष फार्मेसी कर्मचारी संघ अजमेर। आज तो सोची समझी खरीदारी नहीं थी, बस छोटा सा एक कुछ शगुन का करना था इसलिए कर लिया। दो साल कोरोना के थे। हाँ, उसके बाद आज मार्केट में आने का मौका मिला है। किस तरीके से आप खरीद की सोच रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जी, हाँ अधिक से अधिक, मतलब जितना ज़्यादा खरीद सके। क्या लगता है मार्केट है आपके? मार्केट का तो नहीं पता लेकिन हाँ खुद की तो अलाउ कर रही है। आपने भी खरीदी? हाँ। और अच्छी खरीदी।